अब आप कोई भी सामान ले तो उसका बिल जरूर ले, क्योंकि ये बिल आपको कई अधिकार दिलाने वाला है। सरकार एक शानदार स्कीम लेकर आई है। इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। अगर कोई भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने बिल भरेगा तो उसके पास 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 सितंबर को मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। केंद्र सरकार लोगों को शॉपिंग बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लेकर आई है। मेरा बिल मेरा अधिकार का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि स्कीम के तहत हर तिमाही में जीएसटी बिल जमा करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनमें से 10 ऐसे लकी ग्राहक होंगे जिन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बम्पर इनाम में 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस योजना में वैसे शॉपिंग बिल को शामिल किया जाएगा जिसमें जीएसटी लगा होगा। मतलब कि बिल में जीएसटी कलेक्ट करने वाले व्यापारी का जीएसटी नंबर होगा। इस जीएसटीएन की जांच होगी ताकि जीएसटी के जमा होने के बारे में जानकारी का वेरिफिकेशन किया जा सके। 1 सितंबर 2023 को इस स्कीम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव में लॉन्च किया जाएगा। जीएसटी सप्लायर्स की ओर से ग्राहकों को जारी सभी B2C इनवॉइस इस स्कीम के लिए मान्य होंगे। इनवॉइस की मिनिमम वैल्यू 200 रुपए तय की गई है। इस स्कीम और पुरस्कार का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसका फायदा उठाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करते वक्त ग्राहक को अपनी सभी डिटेल्स सही तरीके से भरनी होगी और एक बार डिटेल्स भरने के बाद इनमें बदलाव नहीं हो सकेगा। चालान अपलोड करने के दौरान ग्राहकों को सप्लायर्स का GSTIN, चालान नंबर, चालान की तारीख, चालान की वैल्यू और ग्राहक के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसी डिटेल्स मुहैया कराना होगा। इस स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इनमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और आधार कार्ड शामिल है। हालांकि चालान को अपलोड करने के लिए सरकार ने लिमिट भी तय की है। स्कीम के गाइडलाइंस के अनुसार एक व्यक्ति एक महीने में मैक्सिमम 25 चालान अपलोड कर सकता है। जितने भी चालान अपलोड होंगे उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर यानी ARN मिलेगा। इसी नंबर का इस्तेमाल प्राइस के लिए होने वाले लकी ड्रॉ के लिए किया जाएगा। लकी ड्रॉ हर महीने निकाला जाएगा। नियमों के अनुसार पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी B2C चालान जो अगले महीने की तारीख तक अपलोड किए जाएंगे उन्हें ही लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। सिस्टम किसी भी तरह के फर्जी या डुप्लीकेट GSTIN चालान को अस्वीकार कर देगा। विजेताओं को सूचित करने के लिए ऐप या वेबसाइट पर केवल पुश नोटिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा। स्पेसिफिक बैंक खाते के जरिए विजेता व्यक्ति को पुरस्कार की राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। व्यक्ति को ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी जैसे कि उनका पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। ये काम नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर करना होगा। सरकार इस मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के जरिए जीएसटी बिल के लिए खरीदारों में जागरूकता और प्रोत्साहन पैदा करना चाहती है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे तो इसके जरिए टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। इसके साथ साथ सरकार के खजाने में भी इजाफा होगा। तो अगर आप भी रोजाना शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद उसका बिल लेना भूल जाते हैं तो याद रखें और इस बार बिल लेना ना भूले, क्योंकि ऐसे में आप करोड़ों के इनाम पाने का मौका अपने हाथों से गवा देंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।